फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। तो जैसा कि हमने कल आपका एक चैप्टर स्टार्ट करवाया था, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का क्या आपका आज दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो बेटा, मैंने कल आपको करा दिया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन मोड आपका टू टाइप्स का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। बेटा, हेटरोट्रॉप्स होते थे उसके थ्री सब टाइप्स होते हैं। मैंने बताया था होलोजोइक, बताया था आपको, एक बताया था आपको पैरासिटिक, और एक बताया था मैंने आपको सेप्रोफिटिक। तो बेटा, तीन टाइप बताए थे मैंने आपको। तो बेटा, तीनों को आज कराएंगे। थोड़ा सा है क्या था आपका, प्लांट्स के बारे में करा रहा था मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस कराई थी कल आपको, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बता दिया था। और बेटा, अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्लांट्स में कंपोनेंट्स होता है, लीफ में कंपोनेंट्स होता है, पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा। अब बेटा, स्टोमेटा होता क्या है, और बेटा इसकी अग्रेंस कहाँ होती है, और इसका फंक्शन क्या क्या है, तो बेटा यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो बेटा, स्टोमेटा होती है बेटा, एस्टोमेटा होता है, एस्टोमेटा में क्या होते हैं आपकी गार्ड सेल्स होती हैं। ये क्या है बेटा, आपकी गार्ड सेल्स, ये क्या है आपकी गार्ड सेल्स। और बेटा, ये गार्ड सेल्स हैं, जब भी क्या होते हैं आपकी, इसमें क्या स्पेस बन जाता है, इसमें स्पेस बन जाता है, तो आपकी क्या होता है, आपका एस्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये क्या होगा आपका, स्वेल हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, आपकी जो खुला होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या आपकी एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ओपन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, तो ये क्या होगा आपका ओपन पोजीशन में होता है। तो बेटा, ये होता है आपका एस्टोमेटा। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं बेटा आपके, कहाँ मिलते हैं आपको, लीव्स में मिलते हैं ज्यादातर, ठीक है, लीव्स में मिलते हैं। अब बेटा, जो एस्टोमेटा होते क्या है, तो बेटा एस्टोमेटा आर टिनी पोर्स, स्टोमेटा आर टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। कहाँ होते हैं बेटा आपके, लीव्स में होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब बेटा आपका इसमें पहला पॉइंट था आपका, ये क्या होते हैं आपके, टिनी पोर्स होते हैं। और बेटा कहाँ अक्रेंस कहाँ होती है इसकी, लीव्स में। कहाँ मिलते हैं बेटा आपके, लीव्स में मिलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा आपका, इससे बेटा जो स्टोमेटा होते हैं, इससे क्या होता है कि जो आपकी गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है, आप सभी को पता है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेटा कौन सी गैस आपकी रिलीज होती है और कौन सी गैस आपकी अंदर ले जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। तो बेटा CO2 है बेटा, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 है बेटा। ये तो क्या होती है बेटा, इन होती है लीफ में से। हम यहां लीफ का आपको एक फोटो बना के दिखा दे रहे हैं, अभी आपको समझा देंगे। ये बेटा कोई लीफ है बेटा, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं स्टोमेटा। ये क्या मान लो स्टोमेटा है, यहाँ पे स्टोमेटा है। इससे बेटा कौन सी गैस आपकी इन हो रही है, तो बेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन सी गैस इन होगी आपकी, CO2 गैस इन होगी, यानी क्या अंदर जाएगी। और बेटा जो आपकी O2 है वो क्या आपकी बाहर जाएगी, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन बेटा आपके क्रॉस क्वेश्चन बनता है यहां से,
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो कंडीशन कहेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है, इनटेक की जाती है, और कौन सी क्या करिए आउट की जाती है। तो बेटा रेस्पिरेशन के दौरान, ये तो क्या होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान होगी, ये क्या होगी आपकी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान हो गई। अब बेटा वही आपसे कह दे कि रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या होता है, कौन सी इन होती है आपकी गैस, कौन सी इन होती है बेटा आपकी CO2, और बेटा आउट कौन सी होती है बेटा आपकी CO2। ओके आई होप समझ में आया, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, दोनों चीज में क्या होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, अभी बता दे रहा हूं आपको, एक बार आपका ये कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। दो कंडीशन होती है बेटा डे टाइम पर, सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी होती है आपकी, ये होती है सनलाइट, सनलाइट में कौन सी फोटोसिंथेसिस होती है, जब सनलाइट नहीं होती होगी तो बेटा कौन सी प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस होती है बेटा रेस्पिरेशन, कौन सी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से, स्टोमेटा में कौन सी गैस अंदर जाती है आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कौन सी निकलती है, बाहर निकलती है आपकी O2 ऑक्सीजन। अब बेटा ये तो क्या हुई डे टाइम की बात हो गई, सनलाइट जब आ रही है आपकी, और ये है आपकी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यानी क्या, नाइट के समय पे तो कुछ ना कुछ तो होती है बेटा, श्वसन क्रिया चलती है आपकी, गैस अंदर बाहर जाती रहती है। तो बेटा क्या होगा जब ये आपकी जो रेस्पिरेशन होगा, तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो क्या पेड़ों के द्वारा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर छोड़ी जाती है। आपसे कभी कभी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो हम कहते हैं कि बेटा कि हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं बेटा, वो आपको बस बता देते हैं कि ये भूत होता है, ये भूत होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इसकी वजह से क्या होता है साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि क्या होता है कि रात के समय पर क्या करते हैं पेड़ पौधे, रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें क्या होगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां निकालेंगे तो क्या होगा आपकी सेहत पर नुकसान पड़ेगा, आपको पर्याप्त मात्रा में O2 नहीं मिलेगी, इसलिए हमारे जो आपके बुजुर्ग होते हैं वो हमसे क्या है मना करते हैं कि हमें रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ओके आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट था आपका, थर्ड पॉइंट था, इसे सेकंड पॉइंट हो गया। इसके आपको नोट्स, नोट्स मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूं यहाँ पर क्योंकि आपको अभी नोट्स देने वाला हूँ, नोट्स से आपको नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने हैं तो आपको लर्न भी करना है, नोट्स को समझा रहा हूं पहले आपको बेटा। थर्ड पॉइंट है थर्ड पॉइंट है बेटा, जो स्टोमेटा होते हैं बेटा, स्टोमेटा, स्टोमेटा होते हैं वो बेटा ज्यादा आपके लीफ पर, पहले सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं आपके लीफ से पाए जाते हैं, आपके फिर पाए जाते हैं आपके स्टेम्स पर, फिर आपके रूट्स पर पाए जाते हैं, यानी मिलते सभी पे हैं, मिलते सभी पे हैं, लीफ पर ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, लीफ पर ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ऐसा क्यों है इसका सर, आप तो ये कहते हैं सर लीफ है, ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि क्योंकि आपका जो कैक्टस होता है, जो नागफनी होता है, उसके क्या स्टेम होता है, स्टेम जो ग्रीन पार्ट होता है उसका क्या होता है स्टेम होता है, और जो स्पाइनी पार्ट होता है वो लीफ होता है। तो सर बात आ गई ना कि जो आपके पोर्स कहाँ पे होंगे बेटा, आप वो पोर्स होंगे आपके स्टेम पर बेटा, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होता है आपका रूट पर भी होता है, ठीक है। तो बेटा आज फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट बेटा जो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि जो आपकी गार्ड, जो आपकी स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या होता है आपका, स्टोमेटा वो क्या होता है आपका गार्ड सेल से मिलकर बना होता है, गार्ड सेल से मिलकर बना होता है ना, ये आपका स्टोमेटा हो गया।
आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे टॉपिक है हमारा, अगला है आपका अगला न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया। ये तो आपका हो गया फर्स्ट वाला ऑटोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स में सबसे जो रोल होता है, ज्यादा रोल किसका होता है आपका, स्टोमेटा का होता है, क्लोरोफिल का होता है। तो मैंने दोनों का बता दिया आपको। आगे पढ़ते हैं, सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका हेटरोट्रॉफिक। ठीक बेटा, हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है बेटा, इसमें विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म विच टाइप ऑफ या सॉरी मोड ऑफ, हम मोड ऑफ ही कह सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म्स ब्रैकेट में प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेटा आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसपे एक ऑर्गेनिज्म्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहता है, या तो प्लांट पे डिपेंड रहेगा या फिर आपका एनिमल पे डिपेंड रहेगा। दोनों को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म। जो भी आपका लिविंग चीज है उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था ये क्या आपका थ्री टाइप्स का होता है, ये क्या आपका थ्री टाइप्स का होता है, इसका पहला टाइप है होलोजॉइक न्यूट्रिशन। अब बेटा होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसमें बेटा कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इंटू स्पेशलिस्ट सिस्टम एंड broken down into small pieces to absorb। बेटा जो होलो जो है न्यूट्रिशन होता है उसमें होता क्या है बेटा, जो आपके होलो न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मीन क्या होता है, जटिल। कोई भी क्या होता है, कठोर जो फूड है वो क्या हमने ले लिया, खा लिया एक स्पेशल सिस्टम के द्वारा। हमारा स्पेशल सिस्टम क्या है आपका, माउथ है। माउथ के द्वारा हमने क्या ले लिया, कहाँ चला गया आपका, फूड पाइप में चला गया, फिर कहाँ पहुंच गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचा, वहीं से क्या हमारा खाना क्या डाइजेस्ट हो जाता है। और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से पहुंचते पहुंचते जो खाना है आपका वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बट जाता है। तो बेटा उसी को हम कहते हैं बेटा, किसके लिए बटता है, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होता है बेटा,
आपको पता है कि मैंने आपको न्यूट्रिशन कराया था, न्यूट्रिएंट्स मैंने न्यूट्रिशन कराया था। न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होता है, और बेटा बहुत सारी विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, खाने से जो उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हम कहते हैं बेटा होलोजॉइक न्यूट्रिशन। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। अब बेटा होलोजॉइक न्यूट्रिशन किस में मिलता है बेटा, तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन मिलता है बेटा आपका ह्यूमन में, और बेटा मिलता है आपका अमीबा में। एक तो ह्यूमन मिलता है, एक अमीबा मिलता है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा, एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। होलोजॉइक न्यूट्रिशन, कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इनटू स्पेशलिस्ट सिस्टम एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस टू एब्सॉर्ब। यानी जो जटिल जो खाना होता है, यानी कठोर खाना होता है, जैसे हम लोग क्या आपका रोटी है, उसको क्या है आपका एक जटिल हो गया, जटिल खाना हो गया, उसको हम खाते हैं किसके द्वारा खाते हैं, स्पेशल सिस्टम के द्वारा खाते हैं, जो माउथ वगैरह है सारा सबके लिए स्पेशल है, खाना चबाने के लिए स्पेशल है। तो बेटा किसके लिए जो आपका खाना है वो क्या फिर क्या होता है, छोटे छोटे पीस में टूट जाता है। किसके लिए टूटता है, एब्जॉर्प्शन के लिए। उसमें से क्या एब्जॉर्ब होता है, हमारा प्रोटीन है, विटामिन है, आपकी कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या है इसके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एग्जाम्पल दे रखा है बेटा इसका, एग्जाम्पल क्या है आपका, ह्यूमन है और अमीबा। ठीक, ह्यूमन मीन क्या, आदमी, और जो अमीबा है मैंने आपको दिखा दिया था, आपकी स्लाइड बताई थी आपको, स्लाइड में दिखाया था आपको, लैब में मैंने दिखाया था आपको कि जो आपकी स्लाइड में अमीबा दिखा दिया था, उस पर आपको आगे पढ़ेंगे हम, इसका सेकेंड टाइप आगे देखते हैं हम इसमें। सेकेंड है बेटा आपका इसका ही जो हेटरोट्रॉफिक का सेकेंड है, हेटरोट्रॉफिक, सेकेंड पार्ट है सैप्रोट्रॉफिक। बेटा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डेड मटेरियल से अपना खाना क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, या मरी हुई चीजों से अपना खाना जो आपका न्यूट्रिशन है वो क्या ग्रहण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं आपका सैप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेटा इसमें देखते हैं, सम ऑर्गेनिज्म सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना फीड है वो क्या आपका डेड सेल, जो डेड होते हैं, जो मरे हुए आपके जीव होते हैं, और सड़े हुए ऑर्गेनिक मेटल, मेटल जो आपके मेटल होते हैं, जैसे मान लो कोई आपकी सब्जी सड़ गई या कोई भी फ्रूट सड़ गया, वो क्या आपका ऑर्गेनिक मेटल हो गया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, 10th क्लास में टॉपिक है आपका। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड इज नोन एज सैप्रोटॉफिक न्यूट्रिशन। इस बेटा आपका जो मोड होता है, इसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसमें डाइजेशन क्या होता है, जो खाने का डाइजेशन होता है
वो खाने का डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग ऑफ इज एक मिनट, डाइजेशन ऑफ फूड इज टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी बेटा इस पर जो डाइजेशन होता है, खाने का डाइजेशन होता है वो क्या आपकी बॉडी से बाहर होता है ना। एग्जाम्पल है आपका जो आपके फंगी है, जो फंगी है वो आपने देखा होगा बहुत सारी सड़ी हुई चीजों पर क्या लग जाता है, फंगस आ जाता है। आपने बड़े बड़े कचरे के ढेर देखे होंगे उस पे आपने देखा होगा कि जो मशरूम्स वगैरह, मशरूम्स होते हैं यानी कुकुरमुत्ता हम बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, वो क्या होते हैं आपके फंजाई होते हैं, वो हमेशा आपकी सड़ी हुई चीजों पर यानी ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड मटेरियल या डिकेइंग मैटर पर ही क्या मिलते हैं आपके, प्रोड्यूस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर आगे वाला टॉपिक है तीसरा टाइप है इसका पैरा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इसी का तीसरा टाइप है बेटा आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है दूसरे के न्यूट्रिशन को ले लेता है, दूसरे के न्यूट्रिशन को ले लेता है, कैसे ले लेता है, एक होस्ट की तरह रहता है उसमें। जैसे आपने देखा होगा कि जो एक प्लांट है आपका कसकोटा, जिसे हम आपका हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अमरबेल, आपने कभी देखा होगा उसकी पत्तियां ना तो हरी होती हैं ना तो कोई उस पर रूट होती है, फिर भी वो क्या है प्लांट, वो क्या रहती है पीली पीली एकदम ग्रो करती जाती है। तो वो देखा होगा आपने हमेशा किसी दूसरे प्लांट पर मिलती है, उस प्लांट के ऊपर रहती है एज अ होस्ट, होस्ट की तरह रहती है। और बेटा उसी के जो होस्ट प्लांट होता है, जिस प्लांट पर रह रही होती है उसी के न्यूट्रिशन को क्या कर लेती है, चूस लेती है और अपना जो ग्रोथ है वो उससे करती है। तो बेटा इसमें हम पढ़ते हैं सम ऑर्गेनिजम्स, सम ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेंड ऑब्टेंड फूड फॉर्म, फूड फॉर्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ होस्ट, एक होस्ट की तरह। देखो जैसे आपका है एग्जाम्पल ले लीजिए कसकुटा, जिसे हम अमरवेल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा अमरवेल। ओके एक होता है बेटा आपका लाइस, लाइस जो होती है बेटा आपकी जूहे होते हैं लाइस, और बेटा टैप बॉम कसकुटा, कसकुटा मीन अमरवेल, लाइज मीन होते बेटा जूम, जो आज सब लोगों के क्या सर में पड़ जाते हैं बालों में, वो भी क्या आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन है उनका भी। और बेटा टैप बॉम क्या होता है बेटा आपका, टैप बॉम होता है पेट के कीड़े, आप जनरली भाषा में बोलते हो कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा टैप बॉम, उनका जो न्यूट्रिशन का तरीका होता है कैसा होता है बेटा पैरासिटिक।
आज जो आपका न्यूट्रिशन है बेटा वो क्या कंप्लीट हो गया, कल हम आपको अमीबा में न्यूट्रिशन कराएंगे, फिर आपका ह्यूमन में न्यूट्रिशन कराएंगे, ह्यूमन कैसे न्यूट्रिशन लेता है उसका पूरा सिस्टम कराएंगे। ओके थैंक यू।